हिलसा एसडीओ एवं डीएसपी के अध्यक्षता में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, दो बस सहित कई वाहनों को किया गया जब्त। आपको बताते चले कि बिहार राज्य के अंदर बढ़ते कोरोना को संक्रमण को देखते हुए बिहार राज्य सरकार पूरे बिहार राज्य के अंदर मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं नालंदा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हिलसा एसडीओ राधाकांत एवं डीएसपी कृष्ण रानी प्रसाद के अध्यक्षता में हिलसा के चौक चौराहा पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। इसकी शुरुआत हिलसा का सिनेमा मोड़, डकबंगला, बैरूनतर एवं कई चौक चौराहे पर चलाया गया। इसी कड़ी में हिलसा के कृष्णापुर डीपीएस स्कूल के समीप भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस वहां पे दो बस सहित कई वाहनों पर यात्री आवश्यकता के अनुसार अधिक थे और बिना मास्क पहने हुए सफर कर रहे थे। इसे देखते हुए हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी राधाकांत ने आदेश दिया कि इन बसों को जब्त कर लिया जाए, इन्हें जिला का आदेश है। आपको बता दें कि मास्क चेकिंग के दौरान आने जाने वाले वाहन चालकों एवं यात्रियों पर भी मास्क बिना पहने हुए पे ₹50 का फाइन लेकर छोड़ दिया जा रहा था। आपको बता दें कि वही हिलसा शहर के बैरूनतर हिलसा थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद एवं वीडियो राजदेव रजक के अध्यक्षता में बैरूनतर चलाया जा रहा था मास्क चेकिंग अभियान। वहां भी मास्क चेकिंग अभियान के दौरान आने जाने वाले कई लोगों पर ₹50 का फाइन देकर उन्हें छोड़ दिया जा रहा था और लोगों से अपील किया जा रहा था कि अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोरोना काल से बचे तो आप मास्क जरूर लगाएं। लगातार लोगों से अपील कर रहे थे। नगर परिषद के कर्मचारीगण भी हिलसा के जगह जगह कोचिंग संस्थान के अलावे हिलसा के गलियों में घूम रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना काल का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ते चल रहा है, जिसको लेकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया।